हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप सब ठीक ठाक हो। आप देख रहे हैं वैज विद यू और बड़ी ज़बरदस्त दो गेमें हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। क्या इनिंग खेली है उनके कप्तान ने। वो कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अंडर प्रेशर क्रंच सिचुएशन, उसने 90 प्लस किया है, आई थिंक 38 के 40 गेंदों पे गेम वाज ओवर बाय देन। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने फाइट की है, आए हैं, कोशिश की है, बट 200 करना ऐसे डू और डाई मैच में इस लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बड़ा कम होता है। और उसके बाद उनके बॉलर्स ने आके, बुमराह ने, सब बॉलर्स ने, कुलदीप ने उनको ब्रेक थ्रू दिलाया एंड इट्स अ कंप्लीट टीम। स्पिनर भी उनके पास तीन चार हैं बड़े अच्छे, अक्षर पटेल है, जडेजा है, वो है, विकटों पे कुलदीप है, डिपेंड करती हैं विकटें कौन सी हैं। दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर है बुमराह और यू नो इन जनरल आई सपोज हार्दिक पांड्या तीसरा है। उनका मीडियम पेसर तो नहीं कहूँगा, वो ठीक ठाक तेज बॉलिंग करता है, बट इंडिया की कंप्लीट परफॉर्मेंस। कंग्रेचुलेशन टू इंडिया टू क्वालिफाई एंड देन ऑफ कोर्स द सेकंड गेम द बिग वन अफगानिस्तान। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ टीम। ये हम सबको पता था, आप जो क्रिकेट लवर्स हैं, हम हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, हमें सबको ये पता था कि ये टीम सही जगह जा रही है, ऐसे कर रहे हैं। ये उनके पास नए नए स्पिनर आते हैं, उनकी फील्डिंग अच्छी है, फिट लड़के हैं, पैशनेट हैं, फोकस रखते हैं। और देखिए क्या मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला। जो भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, मैं तो ट्रैवल कर कर के मर गया थे। लॉजिस्टिकली है वर्ल्ड कप वॉज अ डिजास्टर, ये बेशक लगा दीजिएगा। जिथे जाओ फ्लाइट डे, जिथे जाओ फ्लाइट मिस, मिस तो नहीं, डिले डिले डिले, यहाँ तीन कतरे बारिश के पड़े फ्लाइटें डिले हो जाती हैं। मैं सुबह पहुंचा मियामी अपने बेटे के साथ कुछ टाइम गुजारने, मैं फिर इसके बाद मेजर लीग करूंगा। ये देखिए अभी हम बाहर गए, बिल्कुल धूप थी और जबरदस्त वेदर था और उसके बाद इतनी तेज बारिश हुई है। ये देखिए मेरा व्यू, ये है मिड बीच, ये मियामी का मिड बीच एरिया है और ये घर कितने खूबसूरत है, वो मियामी का डाउनटाउन नजर आ रहा है आपको। तो मैंने कहा चले आपको नजारे भी करा दें थोड़े से यहाँ के। बट कमिंग बैक टू अफगानिस्तान टीम, मैन, दे मेड अस प्राउड, दे मेड देयर नेशन प्राउड, और अच्छी क्रिकेट की तारीफ करनी चाहिए। और आई थिंक ओवर एंड ऑल सेमीफाइनल में पहुंचना अफगानिस्तान का क्वेश्चन है। देखिए पेट्रियाटिक मैं हूँ, आप भी लोग पाकिस्तानी पेट्रियाटिक है, मगर जहाँ अच्छी तारीफ करनी है वहां करनी है। अब एशिया की दो टीमें जो आप नंबर वन और नंबर टू कहेंगे तो किसको कहेंगे ये वर्ल्ड कप देख के, इंडिया एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान रह गया पीछे अनफॉर्चुनेटली। अब पाकिस्तानी लड़कों को करना पड़ेगा पूरा पूरा काम, नॉट जस्ट नाउ, फॉर एवरीवेयर। सो आई हैव क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, आप बताते, ये पूछता रहेंगे कि तब मजा आया, बिकॉज खाली वीडियो बना बना के मैं बोर हो जाना यार। आपके क्वेश्चन बड़े जरूरी हैं, मैं आपको बताता हूँ। उन पूछ लेना कि तुम एनएक क्यों पाइए कमरे, बिकॉज मेरा दिल कर रहे, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम मिनाल from Islamabad, Kohli and Rohit are among the greatest batters India has produced ever, that's for sure. 22, 12, 1 और 11 इंडिया के 4 मैचेस में किया। Do you think their combination is getting old, Minal? Not at all. आपने इनिंग देखी है उसकी, रोहित शर्मा की, ये बड़े प्लेयर हैं, ये बड़े मैच के प्लेयर हैं, ये बड़े मैच में क्रन सिचुएशन में स्कोर करते हैं और दोनों भी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। तो आपको क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, मगर आई डोंट एग्री विद यू, आई थिंक दे आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा क्वेश्चन है, डू यू बिलीव गुलाबुद्दीन नैब एक्चुअली हैड दैट क्रैम्प ड्यूरिंग द अफगानिस्तान मैच विद बांग्लादेश, स्पेशली जस्ट व्हेन ही वाज प्लेइंग टू वेल, व्हाट इज योर टेक ऑन इट। हिजरा का इस्लामाबाद से, हिजरा आप बड़ी डिटेल से गेम देखती हैं। देखिए मैं तो जहाज पे था और एज यूजुअल जहाज मेरा लेट था, बारबाडोस पे मैं बैठा था, बट मैंने शाह के क्लिप्स देखे हैं उसके, मुझे पूरा सिनेरियो नहीं पता, क्रैम्प पड़ा है नहीं पड़ा, डिले किया है गेम, अगर वो दोबारा फील्ड पे आए हैं, सो आई कांट कॉमेंट ऑन एनीथिंग अनलेस अंटिल आई सी इट मायसेल्फ। सो मैंने वो देखा नहीं, मैंने वो सोशल मीडिया पे देखा है। और उसके बाद क्वेश्चन है, वसीम भाई आपके वर्ल्ड कप 2024 की प्लेइंग 11 एंड वुड यू इंक्लूड पाकिस्तानी प्लेयर्स। समाय फ्रॉम इस्लामाबाद, वर्ल्ड इलेवन अगर इसकी बनती है इस वर्ल्ड कप की, तो क्या आप रखेंगे किसी पाकिस्तानी प्लेयर को? मेरा नहीं ख्याल वो आते हैं प्लेइंग इलेवन में। प्लेइंग इलेवन में वही प्लेयर आएंगे जो सेमीफाइनल तक टीमें पहुंचेगी उनमें से आएंगे, अनफॉर्चुनेटली ये सच है और यू नो सच सच होता है। और उसके बाद क्वेश्चन है, नेम टॉप थ्री बैट्समैन यू हैव ऑलवेज एंजॉयड बॉलिंग अगेंस्ट। मुर्तजा फ्रॉम कराची। मुर्तजा मेरा छोड़ यार, हम तो क्रिकेट विकेट छोड़ चुके हैं बच्चे, पर आई सपोज मेरा जो माइंडसेट ये होता था कि दुनिया का जो बेहतरीन प्लेयर है ना उस पे
उसके साथ मुकाबला करना, चाहे वो लारा है, चाहे वो ग्रेट तेंदुलकर है, चाहे वो रिकी पोंटिंग है, मैथ्यू हेडन है, ग्रेट रिचर्ड्स है, मार्टिन क्रो है, इंग्लैंड से एलेक्स स्टूअर्ट है. सो दिस वाज माय माइंडसेट की जो दुनिया का बेस्ट प्लेयर ऑपोजिशन का, मैंने उस पर अटैक करने करना, उनसे मैंने इंप्रेस नहीं होना मैंने उनसे. दैट्स माय मंत्र. और ऐसे ही होना चाहिए हर बॉलर्स का. आप फैन होते हो, मैं भी फैन था इन सब का. मेरे इनके पोस्टर थे विव रिचर्ड, सुनील गावस्कर, बैटर ऑन द फील्ड. आई यूज टू अटैक देम कि बेस्ट को अटैक करो ताकि दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज करे. हु इज द बेस्ट पाकिस्तानी स्पिनर इन करंट पाकिस्तानी स्क्वाड दैट यू रियली लाइक? मिलियन डॉलर क्वेश्चन. पाकिस्तान टीम में इस वक्त कोई स्पिनर नहीं अच्छा जो इम्प्रेसिव. शादाब इज स्ट्रगलिंग, विकटें नहीं मिल रही, ब्रेक निकाली. इब्रार को हमने देखा नहीं है पाकिस्तान से खेलते हुए रेगुलर बेसिस. और पाकिस्तान को स्पिन पे भी काम करना पड़ेगा. ऑफ स्पिनर हमारे पास कोई नहीं है. अगर एक आधा है वो टीम में नहीं बनता. फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर में इमाद है, फिर नवाज है. बट इन जनरल मुझे तो अभी तक किसी पाकिस्तान स्पिनर ने ये इम्प्रेस नहीं किया कि ये मिडल ओवर में आके राशिद की तरह तंग करेगा, विकेट दिलाएगा. एक मैच में नहीं, हर मैच में. सो गपशप लगाने का मजा आया. होप आप लोग ठीक हो. आप डाउन तो मैं भी हूँ, डाउन आप भी होंगे. पाकिस्तान नहीं पहुंचा, बट इट इज व्हाट इट इज. तो इंजॉय करो जिंदगी. यू फोन डेटा बहुत है, डाउनलोड करो ऐप शॉक. और सेमीफाइनल्स और फाइनल देखें आप मुफ्त. आप लोगों से गप लगती रहेगी. और तब तक के लिए इजाजत है. अल्लाह हाफिज़.